गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आज शाम का है, कल शाम से शुरू किया था। तो इसमें कर रही हूँ मैं अपने पौधों की थोड़ी सी रोपाई, तो इसकी मिट्टी थोड़ा सा उलट पलट देती हूँ तो पौधे अच्छे चल जाते हैं। तो ये मेरी हरी भरी तुलसी माता, अभी एक दो दिन बारिश हो गई तो देखिए कितने अच्छी तरीके से पौधे हरे भरे हैं एकदम से। लेकिन फिर से दो तीन दिन से काफ़ी धूप निकल रही है। और इधर देखिए ये है मिर्चे के पौधे और इधर है पुदीना, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा लगा दिया था तो वो चल गया है अब अच्छे से। और इसे थोड़ा सा उलट पलट कर देती हूँ तो अच्छे हो जाते हैं पौधे। तो इधर देखिए ये, और ये देखिए आ गए हैं दुकान से अपनी, दुकानें खुल नहीं रही हैं इनकी, लेकिन आज कुछ खुला था थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए तो गए थे। तो ये देखिए पूरी तरीके से ढके हुए हैं अपने आप को, हाथ सैनिटाइज किए हैं, अब सीधे बाथरूम में ही घुसेंगे, ये सीधे बाथरूम जाकर ही नहा के ही निकलते हैं फिर ये। और इधर तब तक मैंने उबाल के रखी थी चाउमीन, नूडल्स रखे थे चाउमीन के उबाल के, थोड़ी सी बची थी, लास्ट थी अब की बार। बच्चों को आजकल ना कुछ बाहर का मिल नहीं रहा है तो उन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए, कभी मैगी, कभी पास्ता हो गया, कभी मैक्रोनी, कभी चाउमीन, उन्हें कुछ ना कुछ दोपहर में नहीं तो शाम को, बच्चों को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही भाई। तो वही मैं उन्हें बॉयल करके रख रही हूँ, जो कुछ है उसी से बना रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम कुछ चाउमीन वाला है भी नहीं आइटम, और कुछ मंगाने की कोशिश भी नहीं ज़्यादा करते हैं, जो कुछ है बस वही है। क्योंकि आजकल बहुत कानपुर में तो हद से ज़्यादा आजकल निकल रहे हैं कोरोना के पेशेंट, तो आने जाने में बड़ी डर जैसा लगता है, तो ना इन भेजते नहीं हैं ज़्यादा इनको, जो कुछ होता है बहुत ज़रूरी काम होता है बस उसी के लिए दुकान पे भीड़ लगाओ जाके। तो यहाँ पे चाउमीन को तोड़ के देख लिया तो नूडल्स पक चुके हैं, गैस ऑफ कर दिए, अब इन्हें छन्नी में पलट ले रही हूँ और ठंडे पानी से इसे धुले दे रही हूँ, धुलने से चपकती नहीं है ये नूडल्स, तो इन्हें अच्छे पानी से धो दिया है। ये देखिए धोने से ना चिपकते नहीं है नूडल्स और अच्छे से पक भी मतलब अलग अलग से हो जाते हैं, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए एक एक अलग हो गए हैं, अब इनमें थोड़ा सा लगा देंगे ऑयल। तो ये देखिए जरा सा लगा दिया है ऑयल, तो बिल्कुल अलग अलग नूडल्स हो गए हैं। और इधर मैंने काट के रख दी थी सारी सब्जियां क्या, शिमला मिर्च और वही था प्याज या थोड़ा सा, और बाकी तो इसमें वो डालने आलने वाला तो नहीं था कुछ, इससे ये ब्लैक हो जाती है। तो अब ये इनकी बारी थी बनाने की, क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ें करने बहुत अच्छा लगता है और ये कर भी हमसे अच्छे लेते हैं। तो नहा धो के आ गए थे तो बोले लाओ अब मैं बनाता हूँ, तैयारी मैंने सारी कर दी, अब बना रहे हैं ये। तो कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, तो यहाँ पे ये डाल रहे हैं प्याज, तो यहाँ पे पड़ गया है प्याज और ये भून रहे हैं प्याज।
अब डाल दिए ये शिमला मिर्च, थोड़ा सा डाल दिया है इसमें नमक। बहुत ही स्पाइसी बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए हम लोग बहुत लाल लाल मिर्च का, वैसे भी गर्मी में हमारे यहाँ लाल मिर्च नहीं ज़्यादा खाई जाती है, गर्मियों में क्या हमारे यहाँ लाल मिर्च बहुत कम ही खाई जाती है, जब कुछ ज़्यादा स्पाइसी या कुछ कोई आया गया तो, नहीं तो हम लोग ज़्यादातर हरी मिर्च ही खाते हैं, लाल मिर्च हमारे यहाँ कम खाई जाती है और इस टाइम तो बिल्कुल बंद, क्योंकि गर्मियाँ इस टाइम बहुत तगड़ी वाली पड़ रही है, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है इस टाइम। 2-3 दिन बारिश हुई तो मौसम अच्छा हुआ, फिर उसी लाइन पे हो गया है, बादल आते हैं और चले जाते हैं, बारिश नहीं हो रही इस टाइम। तो यहाँ पे देखिए अब शिमला मिर्च को ऐसे कलारते कलारते वो हल्की से एकदम महीन महीन कटी थी तो वो पक जाती है ऐसे ही, वैसे भी शिमला मिर्च बहुत जल्दी पकती है। तो देखिए इसमें डाल दिया था इन्होंने मैगी मसाला, मैगी मसाला डाल दिया था, उसमें डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर पड़ा था जो इस टाइम था, बस वही पड़ा है, बाहर वाली जैसी बिल्कुल नहीं लग रही है मैगी जैसे बाहर से आती है, लेकिन हाँ खाने में टेस्टी ज़रूर थी। तो ये देखिए मैगी हो गई है कंप्लीट, और ये देखिए मैगी चाउमीन, सॉरी मैगी बोल दिया, तो ये चाउमीन खा के अब टहला जा रहा है, तो ये रात का टाइम है, हम लोग थोड़ा सा टहलते हैं अपनी गली में, बहुत दूर नहीं जाते हैं, और ये आ गया अब सोने वाला टाइम, तो यहाँ पे बच्चों के लिए दूध तैयार हो रहा है, तो हम दोनों हल्दी का दूध लेते हैं, तो ये हल्दी वाला दूध पहले हल्दी इसमें मिक्स करी जा रही है, और बच्चे तो अपना वो पीते हैं। तो ये हल्दी वाला दूध हो गया, अब ये बच्चों का दूध हो गया कॉम्प्लान वाला, तो बच्चे कॉम्प्लान पीते हैं तो उनके लिए अलग से मिला रहे हैं, वैसे भी हल्दी वाला दूध पीना ही चाहिए, वैसे भी परमानेंट पीने चाहिए, आजकल तो भले ही एक कप पीजिए लेकिन हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है, और आजकल तो खैर पीना ही चाहिए हल्दी वाला दूध, वैसे भी गले ले के लिए और इम्यूनिटी बढ़ती है इससे, तो हम लोग तो पीते हैं खैर हमेशा से ही, हाँ गर्मियों में ज़रूर नहीं पीते थे तो अब की बार गर्मियों में भी पीना पड़ रहा है। तो ये देखिए टोपी वाला वही